नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश पालीवाल। YouTube के हाउ टू किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके डिमांड पे मैंने Xiaomi का Redmi 3S Flipkart से मंगवा लिया। आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, Redmi 3S जो मिल रहा है वो फ्लैश सेल में मिल रहा है। आप चाहे तो इसको mi.com से भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है दोस्तों, और आप चाहे तो इसको Flipkart के फ्लैश सेल में भी खरीद सकते हैं। तो हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। ये Xiaomi का बॉक्स है। तो दोस्तों, इस पर लिखा है मेड इन इंडिया। ये मेड इन इंडिया में बना है दोस्तों। और आपको इसके मैं कंटेंट बता दूं तो बेसिकली इसके ऊपर कुछ है नहीं है देखने लायक। हम बेटर है कि हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये था बॉक्स, ये हमारा डिवाइस Xiaomi का। इसमें दिया है, इसमें है यूजर मैनुअल, सिम के लिए पिन दी हुई है, ये शायद यूएसबी केबल है, चार्जिंग पोर्ट, और इसमें कोई हेडफोन नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें कोई हेडफोन दिए गए नहीं है। तो इस मॉडल के साथ हेडफोन नहीं आते हैं। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ वार्निंग्स वगैरह दिए गए हैं, मैं स्क्रीन गार्ड निकाल लेता हूँ इसका। तो हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे ये पूछ रहा है लैंग्वेजेस के बारे में। इसके बारे में तो आपको पता होगा, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आपको चलाना है। तो पहले इसका रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें पीछे बैक का है 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, फ्रंट का जो है 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया है। इस कैमरे में डिफरेंस ये रहेगा दोस्तों कि आपको जो बैक कैमरा जो मिलता है वो ऑटो फोकसिंग है, लेकिन फ्रंट कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का है वो ऑटो फोकसिंग नहीं है। सेकंड इसमें फ्लैश LED दी हुई है। इसमें बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें 4100 mAh की बैटरी दी गई है, जो रिमूवेबल नहीं है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे पावर केबल दी गई है, आप जहाँ से चार्जिंग कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग फास्ट सिस्टम दिया गया दोस्तों, तो आपका चार्जिंग जो रहेगा वो बहुत फास्ट होगा अदर फोन से। इसके बाद यहाँ पे सिम स्लॉट दिया हुआ है। इसके बाद दो बटन्स यहाँ पे दिए, एक पावर ब्रोकर है और एक वॉल्यूम ब्रोकर है। और इसमें बहुत सारे सेंसर दिए गए। कैपेसिटिव बटन के बारे में बात करें हम दोस्तों, तो बैक बटन दिया गया है, होम बटन दिया गया है सेंटर में, और मेन्यू बटन दिया गया है इसके अंदर। तो इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं दोस्तों कि इसमें कोई LED नहीं दी गई है। इसमें यहाँ पे कोई LED दिख नहीं रही है मुझे, और इसमें कोई LED दी भी नहीं गई है। और इसका स्क्रीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें 5 इंच का स्क्रीन रहेगा। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो इसमें 1.1 GHz का ऑक्टा का प्रोसेसर दिया हुआ है। रैम के बारे में बात करें तो इसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। तो इसमें जो 7000 वाला हैंडसेट जो है, इसमें रैम आ रही है 2 GB की, और प्रोसेसर आ रहा है 1.8 GHz का, और इंटरनल मेमोरी इसकी दी हुई 8 GB तक। आप 8 GB तक इसको, 8 GB इसकी इंटरनल मेमोरी दी गई है, इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा मॉडल जो आ रहा है वो उसका प्राइस करीबन 9000 रुपये है। इसका मैं प्राइस अगर बता दूं तो आपका ये आपको मिलेगा 7000 रुपये में, और इसका दूसरा जो मॉडल आ रहा है वो आ रहा है 9000 में। तो उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोस्तों? नॉर्मली डिफरेंस यही है कि उसमें 3 GB रैम आ रहा है। तो फ्लिपकार्ट और Xiaomi के वेबसाइट्स पे आपको इसके 2 वर्जन मिल जाएंगे। एक वर्जन है जो 7000 रुपये का है दोस्तों, और दूसरा वर्जन है वो 9000 रुपये का है। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों इसके अंदर? तो अगर मैं 7000 वाले फोन के बारे में बात करूँ तो इसका स्क्रीन जो है वो 5 इंच का आपको स्क्रीन मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो रैम है वो 2 GB दिए गए, लेकिन उस वर्जन में आपको मिलेगी 3 GB रैम। इसमें जो इंटरनल मेमोरी दी गई दोस्तों 16 GB है, और उसके अंदर 32 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है। और मेन डिफरेंस ये है दोस्तों कि इस फोन में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है जो बैक में होता है 9000 वाले फोन में। तो इसमें इंडियन वर्जन है दोस्तों, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो चाइना में जो वर्जन आ रहा है वो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। तो इस फोन के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 2 GB रैम दी गई है, 16 GB इंटरनल मेमोरी दी गई है, कैमरा 13 मेगापिक्सल दिया गया है। और इसको अगर फोन को मैं हैंडल करता हूँ दोस्तों, तो ये पूरा मेरे हाथ में आ रहा है, और बहुत खूबसूरती से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता है इसको हैंडल करने में आपको कोई इशू आएगा। और स्क्रीनिंग की अगर बात करते हैं तो इसका जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक तो फिंगरप्रिंट सेंसर है नहीं है, और दूसरा इसमें हाइब्रिड स्लॉट सिस्टम है। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो Xiaomi हमेशा अपने हैंडसेट में हाइब्रिड सिम देता है दोस्तों। तो हाइब्रिड सिम क्या होता है दोस्तों, कि आप जो सिम स्लॉट है यहाँ पे पिन दी गई है, जिसके जरिए आप यहाँ से सिम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं खोल के आपको बता देता हूँ एक बार दोस्तों। तो इसमें होता क्या है,
इसमें होता है दोस्तों कि आप दो सिम ही यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक आप सिंगल सिम यूज करेंगे और सिंगल जो आपको मिलेगा वो मेमोरी कार्ड मिलेगा, तो आप इस तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं एक अगली वीडियो में ट्रिक शेयर करूंगा जिसमें आप दोनों सिम और साथ ही साथ आप मेमोरी कार्ड भी यूज कर पाएंगे। तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें एंड्रॉयड का 6.0 मार्शमेलो दिया गया है और एमयू का वर्जन दिया है 8 दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसका वर्जन दिया है दोस्तों। हम इसके लॉन्चर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये बहुत खूबसूरत वर्जन होता है, आप अगर प्ले स्टोर में भी चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास शिओमी का फोन नहीं है तो आप इस वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में। आपने ये फोन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी भी, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, उसको प्ले स्टोर में बाय कर सकते हैं। मुझे जरूर बताएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपने चैनल हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।